चिकित्सक लानी चाहिए। हां, इनके पास से आएगा। आज हम सारे कैंपसों के स्टूडेंटों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ यहाँ प्रदर्शन किया है और भागीरथ सोनी और चोर भागीरथ सोनी और दिग्विजय सिंह स्पोर्ट्स सेक्रेटरी का हमने यहाँ श्राद्ध किया और गंदे नाले के अंदर पिंडदान किया है, क्योंकि ये अपनी कॉलेज प्रशासन सारी दादागिरी चला रखा है। चाहे गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे विश्वविद्यालय प्रशासन हो, दिग्विजय सिंह 4 साल से इस पर है और उसको 3 अतिरिक्त और दावेदारियाँ ले ली। वो उसके पास जब भी कोई स्टूडेंट परेशानी के लिए होकर जाता है तो उनको भगा देता है, और जब हम जाते हैं तो हमारे से टेबल पे बैठ के बात करने की बात करता है, क्योंकि उसको दलाली के अलावा कुछ आता नहीं। भागीरथ सोनी को कुछ आता नहीं। 4 दिन पहले मेरे पास फोन कराया था उसने कि आके बात कर लो, मेरी मांगे क्यों करवा रहे हो। मैं बताना चाहता हूँ, स्टूडेंटों की समस्याओं के लिए उनके पास कोई टाइम नहीं है, और अपनी बीबी को घुमाने के लिए उसने प्राइवेट वाहन ले जाके और उसका 12 दिन बाद में अंदर फाइल भेजी है बिलों के लिए। तो मैं कहना चाहता हूँ, तुम्हारे बिलों को लेकर करते हो और स्टूडेंटों का आम समस्या जो यहाँ पढ़ने आता है उनके समस्या के लिए ध्यान नहीं देता है। तो हम इनको कहना चाहते हैं, सारे कॉलेज प्रशासन को हम एक्टिव कर विश्वविद्यालय और सबको चेताना चाहते हैं कि अजमेर का छात्र संघ ने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है। अब वो मजबूती से अपनी आवाज़ रखेगा और जो नहीं करेगा उन सबको ईंट बजा देंगे सारे कैंपसों की। लोकेश वधारा, MD से पुरस्कार। यहाँ ये सभी बालिकाएं और हम सभी एकत्रित हुए हैं क्योंकि हमारे महाविद्यालय के अंदर स्पोर्ट्स ग्राउंड की सुविधा ढंग से नहीं है, पूर्ण रूप से अभी सुविधा नहीं दी गई है वहाँ पर। हमारे यहाँ सिर्फ फीस में हमारे से 150 रुपये शुल्क वसूला जाता है, परंतु उन लोगों ने कोई सुविधा उस प्रकार नहीं दे रखी है जिस प्रकार शुल्क लेते हैं। MDS विश्वविद्यालय द्वारा अगर ये बोलते हैं तो हमारी ये मांगे पूरी हो सकती है। और ऐसे ही हमारे कॉलेजेस में जितनी भी गर्ल्स हैं उनकी फ़ीस गहलोत सरकार द्वारा बोला गया है कि माफ़ की जाएगी, परंतु अभी तक बिल्कुल भी फ़ीस का कोई माफ़ी नहीं दी गई है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा परीक्षा शुल्क है वो माफ़ किया जाए, जितनी भी गर्ल्स हैं उनके लिए कदम बढ़ाए जाए। थैंक यू सो मच। पायल जी, हमारे कॉलेज में गर्ल्स के खेल मैदान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और एडमिशन के बोला था कि गर्ल्स की फ़ीस माफ़ की जाएगी। गहलोत सरकार आई थी तब ये वादा किया था, लेकिन पूरी सभी गर्ल्स ने फीस जमा करवाई है। तो हमारी यह मांग है कि या तो गर्ल्स कॉलेज पूरी फीस माफ़ की जाए या फीस को आधी की जाए। और खेल मैदान नहीं है हमारी कॉलेज में, तो खेल मैदान की डिमांड को लेकर आए हैं। चुनाव मुद्दों में हमारे यही मुद्दे थे जो कि मैं हर एक मुद्दा को कंप्लीट करूँ, पूरा करूँ वादा लड़कियों का। तो मेरा ये पहला कदम है और मैं इन पर सफल पूरा खरा उतरने की कोशिश करूँगा। छात्र संघ अध्यक्ष कांता जाकर, गर्ल्स कॉलेज अजमेर। विश्वविद्यालय के अंदर आज शहर के जितने भी कैंपस हैं, श्रमजीवी कॉलेज, DAV कॉलेज, कन्या गर्ल्स कॉलेज, राजकीय महाविद्यालय, MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के जितने भी छात्र संघ पदाधिकारी हैं यहाँ पर एक जाजमपन लामबंद होकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय के दो निकृष्ट कामचोर अधिकारी हैं, भागीरथ सोनी वित्त नियंत्रक और एक दिग्विजय सिंह चौहान खेल सचिव, इन दोनों ने घोटाले, भ्रष्टाचार और अनियमितता भर रखी है विश्वविद्यालय प्रशासन के अंदर। उसके साथ ही हमारी 23 सूत्रीय मांगे तो सभी ने एक जाजम पर, अगर किसी का नेतृत्व नहीं है पूरे छात्र संघों का, सबका एक साथ नेतृत्व, अगर हम यहाँ धरना दे रहे हैं और इन चोरों का हमने आज श्राद्ध किया है, गंदे नाले के अंदर इनका पिंड का दान किया है, अगर इनकी दादागिरी बंद नहीं हुई, हमारी राज्यपाल महोदय से मांग है इन दोनों चोरों के खिलाफ जांच कमेटी बिठाकर इनको तुरंत बर्खास्त किया जाए। अगर ये जल्दी से जल्दी हमारी मांगे नहीं मानेंगे, अजमेर शहर के सारे महाविद्यालयों की कक्षाओं का बहिष्कार किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी, पुलिस SP की होगी, जिला कलेक्टर की होगी, क्योंकि इनका फर्ज बनता है कि हमारी प्रशासन तक बात पहुँचाए। प्रशासन लापरवाह, कामचोर, बदमाश बन गया है, हमें बदमाशों को ठीक करना आता है। प्रशासन जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में छात्र शक्ति को जवाब देना आता है। लोकेश,